मैनपुरी के श्रीदेवी मेला नुमाइश पंडाल में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने विवाह समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए किया। तो श्यामू विवाह के दौरान शादी के बंधन में बंधे 18 जोड़े अल्पसंख्यक सहित 205 जोड़ों को उपहार भेंट करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के समापन के दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि गरीब और असहाय परिवार के शादी योग्य बेटी और बेटा का जुम्मा उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और वह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से निभाने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लोक कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पुनीत कार्य होता है कि गरीब कन्याओं के हाथ पीले करना अपने समाज में सबसे पुण्य का कार्य माना जाता है। क्योंकि सरकार कटिबद्ध है गरीबों के कल्याण के लिए और लोक हित के लिए, उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत करी थी। आज कुल 205 जोड़ों की हम लोग यहाँ पर शादी और निकाह का कार्यक्रम रखे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के द्वारा, और ये नुमाइश ग्राउंड मैनपुरी के इस प्रांगण में भव्य तरीके से समारोह पूर्वक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच ये हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है। इसमें 18 अल्पसंख्यक वर्ग के भी जोड़े हैं जो आज निकाह पढ़ने जा रहे हैं जी, और इस प्रत्येक जोड़ा को हम लोगों ने प्रदेश सरकार की तरफ से उनके खाते में 35,000 रुपये, 10,000 रुपये के उनके लिए सामग्री और उनके सभी के लिए भोजन पानी इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।